आज स्थिति थोड़ी नियंत्रण में लग रही है। ये एक लंबे लॉकडाउन का या कोरोना कर्फ्यू का प्रभाव सामने आता नज़र आ रहा है, जिसमें आज की डेट में हमारी 36 एडमिशन्स हुई हैं सिर्फ। ये कंपैरेटिवली जैसे पीक में जितनी एडमिशन्स हो रही थी उससे ऑलमोस्ट हाफ हैं, और हमारे 44 पेशेंट्स रिकवर होके चले गए हैं। तो और डेथ्स का नंबर काफ़ी कम हुआ है, इसमें 6 डेथ्स हुई हैं कल हमारी, तो ये भी एक अच्छी खबर है। किस तरह की डीएमसी तैयारी? ब्लैक फंगस का जैसे हमारे भारत के काफ़ी राज्यों में बिल्कुल ये सामने आई है एंटिटी, और देखा गया है कि पहले भी हुआ करती थी लेकिन इतनी ज़्यादा केसेस नहीं होते थे। कोविड के साथ सेकेंड वेव में पर्टिकुलरली रिसर्जेंस में बहुत सारे केसेस कई राज्यों में ज़्यादा ही नज़र आए हैं, और हमारे जम्मू रीजन में भी एक डेथ भी हुई और कुछ क्लिनिकल सस्पिशंस भी अभी चल रहे हैं, लैब कन्फर्मेशंस नहीं हुई, लेकिन आज हमने उसकी भी सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, जिसमें हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें ऑप्थल्मोलॉजी के और ईएनटी के, रेडियो डायग्नोसिस के, मेडिसिन के और डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट, हमने बैठ के एक बिल्कुल तरीकाकार बना लिया है कि जैसे ही कोई क्लिनिकल सस्पिशन होगा इमीडिएटली एमरजेंसी उसका लैब डायग्नोसिस भी किया जाएगा, जिसमें हमारी लैब कन्फर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में होती है, और साथ में ही अगर सीटी या एमआरआई की ज़रूरत समझी जाए ताकि ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू हो जाए, क्योंकि म्यूकर माइकोसिस एक बार एस्टैब्लिश होता है तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस इसकी होती है, तो जितनी जल्दी इसको पकड़ा जाए और सारी दवाई की शक्ल में या सर्जिकल इंटरवेंशन जो भी चाहिए हो एकदम की जाए तभी इसका फ़ायदा रहता है।